अब हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि टैक्स एरिया क्या होता है। अमूमन आप लोगों ने देखा होगा कि कमेंट सेक्शन जो होता है मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर, तो वो काफ़ी बड़ा होता है लेंथ वगैरह के अंदर, और हाइट वगैरह भी उसकी बड़ी होती है। और तो बनता कैसा है, हम इसको यूज़ करते हैं टैक्स एरिया के अंदर। हम उसके अंदर उसका नाम दे देते हैं और उसके कॉलम्स बता देते हैं, रोज बता देते हैं। और कोई टैक्स इंडेक्स वगैरह लिखना है तो कर सकते हैं। सिंपल इसका टैग यूज करना है। देखिए जैसे हम आप प्लेस ऑर्डर वगैरह कर रहे थे, इस तरीके से होता है। कमेंट वगैरह कोई आप लिखना चाहते हो और आपकी मर्जी, आप प्लेस ऑर्डर वगैरह यूज़ कर लें या आप इससे यहाँ से बड़ा छोटा कर सकते हैं। लेकिन जैसे आप रिफ्रेश करेंगे तो नहीं आ जाएगी कॉल। तो ये रोज कितनी है, ये मैंने कर दी अभी 30 कॉलम्स हैं, मैंने इसको कर दिए 50 कॉलम्स कर दिए। और रोज कितनी कर दी, मैंने रोज इसकी कर दी 50 कर दी। तो क्या हो गया, इसने कॉलम्स जो है वो 50 कर दिए और रोज भी 50 कर दिए। रोज 20 कर देगा। इसके अंदर हम इसको हटा देते हैं, प्लेस ऑर्डर आईडी वगैरह जब हम आगे यूज़ करेंगे तो देखेंगे, जब CSS वगैरह में या कहीं और में ज़रूरत पड़ेगी तो हम यूज़ करेंगे इसकी।